दोस्तों 28th ऑफ अगस्त को रियलमी ने रियलमी 1 के बाद रियलमी 2 लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर वो आपको दे रहे हैं 10,000 रूपए के बजट सेगमेंट में नॉच, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसके रिगार्डिंग आपने काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, अनबॉक्सिंग के, रिव्यू के, फिर वगैरह वगैरह के। बट शायद आपके मन में अभी भी एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस फोन में कुछ बातें ऐसी है जो कि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बट कुछ बातें ऐसी है जो कि इस फोन का लेवल थोड़ा सा डाउन कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपका वो सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं जो भी पॉइंट इसके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ वो आप समझ पाए। और साथ ही मैंने इस फोन को कंपेयर किया रेडमी के Y2 से, जिसका प्राइस लगभग इसी के प्राइस के आसपास है, और ताकि आपको सही फोन चूज करने में आसानी हो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें, ताकि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है इस फोन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए। सो हे गाइस, दिस इज Sudhanshu Roy एंड यू आर वाचिंग अबाउट Realme 2 ऑन योर ओन चैनल Roy Encyclopedia। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम फटाफट से देख लेते हैं कि इस फोन में आपको क्या सब मिल रहा है, उसके बाद हम इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसके साथ आपको नॉच प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ ही इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा है, और साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। उसके साथ ही इसमें आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है, इसकी थिकनेस 8.2 mm की है, एंड इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8 GHz की है, और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ ही इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 8.1 इंच का ऑडियो मिल जाता है, और साथ ही ओप्पो का जो अपना कलर ओएस 5.1 है वो इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ ही ये फोन दो वेरिएंट में आता है, एक 3GB RAM, एक 4GB RAM। 3GB RAM के साथ आपको 32GB का इंटरनल मिल रहा है, और उसका प्राइस 8,990 यानी कि 9,000 रूपए है, और 4GB RAM के साथ आपको 64GB का इंटरनल मिल रहा है, जिसका प्राइस 10,990 यानी कि 11,000 रूपए है। उसके साथ ही इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, साथ ही फेस अनलॉक भी मिल रहा है, और साथ ही इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है। इट मीन्स कि आप दो सिम कार्ड एंड एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये सारी चीज आपको इस फोन में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, फुल HD नहीं है, HD+ है, 720p वाला, और साथ ही इसमें आपको नॉच मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है इस 10,000 के प्राइस सेगमेंट में। तो नॉच काफी अच्छा लुक इसको देता है। उसके साथ ही इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.80% का मिल जाता है। इट मीन्स कि ये फोन अप्रोक्स आपको बेजललेस दिखेगा, बेजललेस तो नहीं बोल सकते हैं, बट अप्रोक्स आपको बेजललेस ही दिखेगा, काफी अच्छा लुक इसमें दिया गया है। तो इसमें आपको 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है 720p वाला, जिसके साथ आपको नॉच प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.80% का है। उसके बाद अगर कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको रियर कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसका अपर्चर f2.2 का है। तो गाइज, आपने रियलमी 1 में अगर देखा होगा, तो उसमें एक सिंगल कैमरा दिया गया था 30 मेगापिक्सल का, जो कि ठीक ठाक फोटोग्राफी कर लेता था, बट इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ड्यूअल कैमरा प्रोवाइड किया गया है 2 मेगापिक्सल का, जो कि डेप्थ इफेक्ट वगैरह के लिए है। बट अगर आप रेडमी के Y2 के फोटोज को देखते हैं, तो वैसा फोटो ये फोन बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का जो सेकेंडरी कैमरा है, ये बैकग्राउंड को ब्लर तो करता है, इस फोन में आपको बोके इफेक्ट मिल जाता है, बट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। आप एक नॉर्मल सा काम कर सकते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा कैमरा जो है वो दिखाने के लिए दिया गया है। आप इसको हाथी का दांत बोल सकते हैं, जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। तो इस फोन में जो आपको 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा है, तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है तो फोटोज अच्छी आती है, जो भी एज डिटेक्शन है ये एज वगैरह को काफी अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। बट 13+2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, खासकर बुके इफेक्ट वगैरह के लिए, तो बुके इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, बट उतना अच्छा नहीं, एक नॉर्मल सा आपको इफेक्ट इसमें मिल जाएगा। तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा आप दिखाने के लिए बस इसको बोल सकते हैं। उसके साथ ही इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसके अंदर ब्यूटिफिकेशन मोड वगैरह दिया गया है, तो उसमें भी आपको अच्छी फोटोग्राफी आप कर सकते हो उससे भी। उसके साथ ही अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD मोड यानी कि 1080p x 1920 वाला जो मोड होता है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पे। उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी बुरी बात है। और गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि Realme 2 Realme 1 का अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप Realme 1 का अपग्रेड नहीं, एक तरह से डाउनग्रेड ही समझिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं किया गया है कि आप इसको Realme 1 का अपग्रेड बोल सकते हैं। तो इसमें जो आपको स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट वाला प्रोसेसर मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि Realme ने आपको Realme 1 में MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर प्रोवाइड किया था, तो ये MediaTek से हटके स्नैपड्रैगन पे आया है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट अगर MediaTek का Helio P60 की बात करें,
तो वो कम्पीट करता है स्नैपड्रैगन के 625 या फिर आप 636 से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, इतना ये पावर रखता है। बट यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर देखे काफी ये कर दिया गया है कि बहुत बेकार फोन को बना दिया गया है। 10,000 के प्राइस सेगमेंट में भी आपको स्नैपड्रैगन का 625 दे सकते थे। और प्रोसेसर इससे ये होगा कि अगर आप हैवी गेम खेलना चाहेंगे जैसे कि पबजी वगैरह या फिर एसफेल्ट वगैरह तो आप नहीं खेल पाएंगे अच्छी तरीके से। और सिर्फ गेम का ही बात यहाँ पे नहीं है, फोन का सब कुछ प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है। आपकी बैटरी को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहा है, आपका फोन कैसे पूरा ऑप्टिमाइज वर्क कैसे कर रहा है, रैम का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, ये सब कुछ प्रोसेसर पे ही डिपेंड कर रहा है कि आपका फोन हीट होता है नहीं होता है, कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो प्रोसेसर सबसे मेन चीज होता है, तो उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे कम कर दिया है जो कि अच्छी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको बैटरी 4230 एमएएच का मिल तो जाता है जो कि काफी बड़ा बैटरी है, काफी अच्छा बैकअप आपको दे सकता है। लेकिन इन्होंने अगर स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट वाला प्रोसेसर दिया है तो मैंने यूज नहीं किया है, बट ऐसा इसमें हो सकता है कि ये आपकी बैटरी को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करे और उतना अच्छा बैकअप न दे पाए जितना आपको स्नैपड्रैगन का 625 देता है 4000 एमएएच के बैटरी के साथ। तो गाइज यहाँ पे Realme 2 का जो बेस वेरिएंट है 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, उसका यहाँ पे प्राइस है 8990 यानी कि 9000 रुपए। और अगर इसको हम कंपेयर करें Redmi के Y2 से जिसका प्राइस 9990 यानी कि 10000 रुपए है, तो काफी ज्यादा फर्क नहीं। यहाँ पे 9000 इसका भी प्राइस है और 10000 उसका भी प्राइस है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको दोनों में सेम मिल जाता है HD प्लस वाला। हाँ, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, Realme 2 में आपको 6.2 इंच का मिलता है बट Y2 में आपको 5.9 इंच का इमेज मिल रहा है। तो डिस्प्ले यहाँ पे HD प्लस ही है, तो डिस्प्ले में कुछ काफी चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे में यहाँ पे Y2 बाजी मार जाता है। Realme 2 में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और Y2 में मिलता है आपको 12+5 मेगापिक्सल का। तो Realme में जो आपको 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा है, ये उतनी अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाएगा, उतनी अच्छी फोटोज आपके लिए नहीं निकाल पाएगा जितना Y2 ले सकता है। और आपके बैकग्राउंड को भी उतना अच्छा ब्लर नहीं कर पाएगा, यानी कि बुक के इफेक्ट भी उतना अच्छा क्रिएट नहीं कर पाएगा जितना कि Redmi का Y2 कर लेगा। तो कैमरा यहाँ पे Redmi Y2 का काफी अच्छा है, Realme 2 किसी भी एंगल से उसका मुकाबला नहीं कर सकता है कैमरे के मामले में। फ्रंट कैमरा यहाँ पे Realme 2 में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है बट Y2 में आपको 16 मेगापिक्सल यानी कि 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरे में भी Y2 में आपको काफी अच्छा कैमरा मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है हमारा प्रोसेसर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया Realme 2 में आपको स्नैपड्रैगन का 450 वाला प्रोसेसर मिल जाता है बट Y2 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 625 मिल रहा है जो कि कहीं ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है इस Realme 2 के मुकाबले। तो यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में भी Redmi का Y2 बाजी मार गया जो कि स्नैपड्रैगन के 625 के साथ आता है, न कि स्नैपड्रैगन के 450 के साथ जो कि आपको Realme 2 में दिया गया है। उसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको Realme 2 में मिलता है 4230 एमएएच का, वहीं पे Y2 में मिलता है 3080 एमएएच का। तो बैटरी यहाँ पे Y2 में कम है बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे प्रोसेसर यूज किया है स्नैपड्रैगन का 450 वाला, तो ये शायद आपको बैटरी को Realme 2 में आपके बैटरी को उतना अच्छा ऑप्टिमाइज ना कर पाए, तो 4230 भी शायद कम ही चले। अगर आप मेरा ओपिनियन जाने तो यहाँ पे Y2 को मैं बेस्ट मानता हूँ Realme 2 के मुकाबले। लेकिन हाँ, अगर Realme 2 की बात करें तो आप अगर Realme 2 के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन पूछे तो Realme 2 आप तभी लीजिएगा जब आपको मोबाइल दिखाने का शौक हो। इट मींस कि अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आपके फोन में नॉच है और साथ ही डुअल कैमरा है 10,000 रुपए के बजट सेगमेंट में और ये लगभग बेजललेस इसका जो डिस्प्ले दिखता है वो है और साथ ही इसमें जो डायमंड कट का डिजाइन दिया गया है जो इसको काफी प्रीमियम लुक देता है, तो ये सब इसको बस इसका डिजाइन Realme 2 को खास बनाता है। तो Realme 2 का डिजाइन ही सबसे खास है और इसके लॉन्च इवेंट में भी पूरे लॉन्च इवेंट में सिर्फ डिजाइन का ही चर्चा किया गया था। तो अगर आपके लिए दिखावा ही सब कुछ है, सिर्फ बैटरी या फिर उसका लुक किसी फोन का चाहते हैं तभी आप इस फोन को लीजिएगा। अदरवाइज हैवी यूज के लिए, गेम वगैरह के लिए, फिर किसी भी काम के लिए, कैमरे की बात करूं या फिर प्रोसेसर की बात करूं, तो उस सब के लिए Realme 2 अच्छा नहीं है। आप Realme 2 को बिल्कुल भी प्रेफर न कीजिएगा। तो फाइनली अगर आप बैटरी और लुक को ही प्रेफर करते हैं तो ही आप Realme 2 लीजिए, वरना प्रोसेसर कैमरा वगैरह कुछ भी इसमें उतना अच्छा नहीं दिया गया है। आप Y2 ले सकते हैं Redmi का, तो अब मैं आपको Y2 ही प्रेफर करूंगा। तो प्रोसेसर वगैरह इसमें अच्छा नहीं है तो आप इस सबके लिए Realme 2 को प्रेफर बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी आप Realme 2 नहीं लीजिए। एंड हाँ, सितंबर में या तो अर्ली सितंबर या फिर सितंबर लास्ट में Realme का Realme 2 Pro लॉन्च हो रहा है, तो आप प्रो का भी इंतजार कर सकते हैं कि उसमें क्या ऐसा खास किया गया है, क्या इसको अपग्रेड किया गया या क्या उसमें कैसा है। तो मेरे ओपिनियन से अगर आप Realme ही लेना चाहते हैं तो Realme 2 Pro का इंतजार कर लीजिए जो कि सितंबर में आ ही जाएगा, अब एक महीना से भी कम बचा है तो आप उसको देख सकते हैं। बट Realme 2 आप तभी लीजिए जब आप लुक या फिर बैटरी आपके लिए सिर्फ मायने रखता है, बाकी प्रोसेसर कैमरा या फिर कोई भी चीज के अंदर उतना अच्छा नहीं दिया गया है। और डिस्प्ले भी फुल HD नहीं है, इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले ही मिलता है, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको फुल HD नहीं दिया गया है कि आप डिस्प्ले को ले सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।